तो हेलो गाइस, सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप लोग एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शैलेश। और दोस्तों, बीस स्टेटमेंट का रिजल्ट आ गया है 3 स्टेट का, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और एक है जम्मू। तो इन 3 स्टेट का रिजल्ट जैसे आया तो उनका ऑफिशियली PDF में ही मेंशन कर दिया था कि उनका मेडिकल कब होने वाला है। ओके, तो बचे जो बाकी स्टेट है जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो उनका भी डेट क्या होता है वो किसी को नहीं पता है। लेकिन मैंने जैसे तीनों स्टेट का रिजल्ट की जो PDF देखी तो उनमें मेंशन की हुई जो डेट है वो तीनों स्टेट की सेम है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मेडिकल डेट 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होने वाला है, जम्मू का भी सेम ही है और जो उत्तराखंड है उनका भी सेम है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप सीधा नीचे देख सकते हो 3 नंबर कॉलम में भर्ती का तीसरा चरण यानी विस्तृत चिकित्सा परीक्षा DME का आयोजन दिनांक 18/11/2019 को CAPFS कंपोजिट हॉस्पिटल BSF टेक्कनपुर ग्वालियर MP पिनकोड में होगा, जिसके लिए सभी पात्र उम्मीदवारों को कॉल लेटर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सभी पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो आयोजन स्थल पर विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के लिए नीचे दिए गए उनके नाम और तिथि के अनुसार उपस्थित हो। तो उनकी जो डेट है वो 18 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। ओके, तो ये दूसरा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा फिर जम्मू वालों का नोटिस, इनमें भी बताया गया है कि 18 नवंबर से 20 नवंबर के दिन आपका जो मेडिकल है वो शेड्यूल है। ओके, आपको तीसरा नोटिस दिखा देता हूँ मैं। इसमें लिखा है कि यदि किसी भी कारण से उपरोक्ता में भी कोई भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह परिणाम पत्र की प्रति लेकर, मतलब आपका रिजल्ट की PDF को लेकर, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है। साथ में अभ्यर्थी को अपना फोटो सहित वैध मूल प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदान कार्ड, मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सबूत के तौर पर लाना अनिवार्य होगा। तो इन्होंने बताया है कि अगर आपका जो मेडिकल से पहले 5-4 दिन पहले आपको अपना ऑफलाइन एडमिट कार्ड आपके घर तक आ जाएगा, उसमें आपकी मेडिकल डेट भी फिक्स होगी, मतलब 18 को बुलाया या 20 को या 19 को, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड घर नहीं आता है तो आपको जो आपका जो रिज़ल्ट की PDF है उसका भी प्रिंटआउट लेकर आप जा सकते हो, जिसमें आपको आपका रोल नंबर के हिसाब से आपको डेट क्या दी है उसमें लिखा होता है। ओके, कि मतलब आपके आपका रोल नंबर जिसमें लिखा है उसके सामने आपको पता लिखा होता है उन्होंने साफ साफ कि आपका मेडिकल किस डेट को है, 18 को है, 19 को है या 20 को है। हालांकि अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तब आपको ये जो PDF है इसका सहारा लेना है। अगर ये मेडिकल एडमिट कार्ड आपके घर तक आ जाता है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो जो मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो 3 स्टेट है इनका मेडिकल डेट तो कंफर्म हो गई है 18 से 20 नवंबर के बीच, लेकिन बचे बाकी जो स्टेट है जैसे कि मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा वगैरह वगैरह, ये जो स्टेट है इनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो इनका जो मेडिकल डेट है वो क्या होगा, तो उनका भी डेट कंफर्म यही होगा दोस्तों। ओके, 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच ऑल ओवर इंडिया की मेडिकल होने वाली है BSF ट्रीटमेंट की। तो आप बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि रिज़ल्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी डेट क्या है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया आपका भी 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच ही आपका जो मेडिकल होने वाला है एकदम कंफर्म। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।